घोषणा पत्र के कारण कांग्रेस पर छाया पाबंदी का खतरा, कोर्ट ने मांगा जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने जमकर वादे करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो देश के 25% गरीब परिवार को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी वादे को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर कोर्ट ने पूछा कि इस तरह की घोषणा वोटरों को रिश्वत देने की कैटेगरी में क्यों नहीं आती और क्यों ना पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। कोर्ट ने माना है कि इस तरह के घोषणा रिश्वतखोरी एवं वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने और SS समशेरी के डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता मोहित कुमार और अमित पांड्या की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका को कहना है कि इस घोषणा को घोषणा पत्र से हटाया जाए। साथ ही याचिकाओं ने 3 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन का नियतित किया जाएगा। याचिका ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 72,000 रुपए सालाना 25% गरीबों के खाते में भेजने का वादा किया है। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। याचिका में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।